उत्तर पूर्व में हो जाएगा आपका विदिशा और यहां हो जाएगा राजगढ़, राजस्थान की सीमा को टच करता है राजगढ़। दक्षिण पश्चिम में हो जाएगा आपका सीहोर और दक्षिण पश्चिम में हो जाएगा आपका राजगढ़। तो भोपाल संभाग के पांच जिले कौन कौन से हैं? तो भोपाल संभाग के पांच जिले हैं आपके भोपाल, रायसेन, विदिशा, राजगढ़ और सीहोर। तो सीहोर में आपको पता है कि बुधनी विधानसभा सीट से ही शिवराज सिंह चौहान विधायक आते हैं, वही को लड़ते हैं। और रायसेन में सांची का स्तूप और अंबेडकर की गुफाएं हैं, ठीक है ये। उसके बाद भोपाल संभाग में पांच जिले थे, अगला संभाग जिसमें पांच जिले हैं तो वह आपका ग्वालियर संभाग। ग्वालियर संभाग में भी पांच जिले हैं। ग्वालियर संभाग में कितने जिले हैं आपके? पांच जिले। तो देखिए ग्वालियर संभाग में कौन कौन से जिले हैं, यहां पर पड़ता है अशोकनगर, अशोकनगर ठीक है, अशोकनगर गुना से अलग हुआ कोकीवाना, तो ये आपका गुना यहां पे ठीक। यहां पास आपका शिवपुरी, यहां पे आपका ग्वालियर और ये आपका दतिया। तो ग्वालियर संभाग के पांच जिले कौन कौन से हैं देखिए, दतिया, ये ग्वालियर, शिवपुरी, गुना और अशोकनगर। अशोकनगर आपको पता है कि चंदेरी यहीं पे है, चंदेरी में क्या कहते हैं जाबरा कुंड फेमस है, चंदेरी की साड़ी फेमस है। अशोकनगर ये गुना से अलग होके बना ठीक। और ये शिवपुरी मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा क्षेत्र माना जाता है, शिवपुरी ही मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यटन स्थल माना जाता है और शिवपुरी मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे दूसरा सबसे छोटा, सॉरी क्षेत्रफल की दृष्टि से शिवपुरी एमपी का दूसरा सबसे बड़ा जिला माना जाता है, ये ग्वालियर और ये दतिया ठीक। तो ग्वालियर संभाग के पांच जिले। अब अगला संभाग जिसमें पांच जिले हैं तो है आपका सागर संभाग। सागर संभाग में भी कितने जिले हैं आपके? पांच जिले ठीक। तो सागर संभाग एक एक आपके यहां पे पड़ता है मेरे पास दमोह, ये सागर, यहां पे पन्ना, छतरपुर और ये है टीकमगढ़। ये जो पूरा एरिया है ये टीकमगढ़ है। तो देखिए टीकमगढ़, सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, ये पांच जिले हैं जो सागर संभाग में आते हैं ठीक। तो सागर संभाग के पांच जिले कौन कौन से हैं? दमोह, सागर, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़। तो छतरपुर किसलिए इंपॉर्टेंट है? छतरपुर में ही खजुराहो है। टीकमगढ़ क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि टीकमगढ़ में ओरछा है, ओरछा बुंदेलों की राजधानी रही है और जहां भी उन्होंने यहीं पे है जिसे वीर सिंह मुंडेला ने बनवाया। तो देखिए याद करना कितना आसान है, मध्य प्रदेश में तीन संभाग ऐसे हैं जिसमें तीन तीन जिले हैं, मध्य प्रदेश के तीन संभाग ऐसे हैं जिसमें पांच पांच जिले हैं। भोपाल संभाग में पांच जिले, ग्वालियर संभाग में पांच जिले और सागर संभाग में पांच जिले। अब बात कर लेते हैं उज्जैन संभाग। तो उज्जैन संभाग एमपी का एकमात्र संभाग है जहां पे सात जिले ठीक। तो उज्जैन संभाग में सात जिले, तो कौन कौन से हैं? यहां पे नीमच, नीमच के नीचे मंदसौर, मंदसौर के नीचे रतलाम, यहां पे उज्जैन, यहां पे साजापुर ठीक। और साजापुर के उज्जैन साजापुर के नीचे देवास और साजापुर से अलग होके एमपी का एक क्या मनवा जिला बना है? आगरमालवा। तो देखिए नीमच, मंदसौर, रतलाम तीन, चार, उज्जैन चार, देवास पांच, साजापुर छह, आगरमालवा सात जिले। तो एमपी में केवल एकमात्र संभाग है जिसमें सात जिले और वो है उज्जैन संभाग ठीक। उसके बाद एमपी में दो संभाग है जहां पे आठ आठ जिले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जबलपुर संभाग, जबलपुर संभाग। तो जबलपुर संभाग में आठ जिले आते हैं। तो जबलपुर संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से एमपी का सबसे बड़ा संभाग है ठीक। तो देखिए कौन कौन से जिले आते हैं जबलपुर संभाग में? तो ये डिंडौरी, डिंडौरी के नीचे ये मंडला यहां पे और यहां पे कहीं पास जबलपुर, ये कटनी उमरिया के पास ठीक, यही पास आपका पड़ेगा बालाघाट,
ये पड़ेगा आपका छिंदवाड़ा और यहां पड़ेगा आपका सिवनी। तो जबलपुर संभाग के 8 जिले कौन कौन से हैं? 1 2 3